अलीगढ़ के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के नगर निगम में बन्ना देवी थाने के दरोगा व सिपाही ने महिला से छीना फोन। महिला ने अभद्रता का भी लगाया आरोप। दरोगा व सिपाही पर एक सादा कागज पर जबरन साइन करने का लगाया आरोप। घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। झांसी में ट्रैफिक पुलिस के सिपाही ने बुजुर्ग संघ की हाथापाई। बस स्टैंड पर बुजुर्ग टैक्सी ड्राइवर के साथ की हाथापाई। हाथापाई करने का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। पास में खड़े शख्स ने मोबाइल में कैद किया वीडियो। सोनभद्र के थाना रायपुर में पुलिस बनी बाराती और घराती। थाने में प्रेमी जोड़े की कराई शादी। मौके पर ग्राम प्रतिनिधि जेपी सिंह पटेल रहे मौजूद। प्रेमी जोड़े के परिवार के लोग शादी के लिए नहीं थे राजी, तो पुलिस वालों ने प्रेमी जोड़े की करा दी शादी। पुलिस अधीक्षक द्वारा की गई थाना खीरी पर ग्राम चौकीदारों की गोष्ठी, जिसमें थाना खीरी क्षेत्र अंतर्गत पड़ने वाले सभी ग्राम चौकीदारों की उपस्थिति रही। पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा ने बताया कि उनके क्षेत्र में घटित होने वाली आपराधिक गतिविधियों, भूमि विवाद, आगामी त्यौहार आदि से संबंधित कोई भी सूचना या अन्य किसी भी प्रकार की घटना संबंधित सूचना से तत्काल प्रभारी निरीक्षक, चौकी प्रभारी, बीट पुलिस अधिकारी को कराएं अवगत। संभल के हाजीपुर के पास वाहन चेकिंग के दौरान गौ तस्करों से हुई मुठभेड़। मुठभेड़ के दौरान दो गौ तस्करों को किया अरेस्ट। मुठभेड़ में दो गौ तस्कर गोली लगने से हुए घायल। तीसरे गौ तस्कर को कॉम्बिंग के दौरान पकड़ा। 6 दिन पूर्व क्षेत्र में हुई थी गौकशी। अंबेडकर नगर के जिले भर में बढ़ रही बाइक चोरी की घटनाएं। अलग अलग थाना क्षेत्रों में बाइक चोरी की हो रही वारदात। बाइक चोरी करते सीसीटीवी कैमरे में हुए कैद। चोर सीसीटीवी के आधार पर चोरों को तलाश में ही पुलिस। बसखारी और अलीगंज थाना क्षेत्र का बताया जा रहा वीडियो। कानपुर में बीच सड़क पर दर्जनों वाहन रोककर सचिवालय के पास लगी गाड़ी पर केक काटते आतिशबाजी की आड़ में जमकर की गई फायरिंग। काकादेव थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर मतायापुरवा में रहने वाले मशहूर सटोरिए के जन्मदिन का बताया जा रहा वायरल वीडियो। झांसी के कोतवाली क्षेत्र के अन्नपूर्णा कॉलोनी में इलेक्ट्रिक स्कूटी में चार्ज करते समय लगी आग। आग लगने से स्कूटी जलकर हुई खाक। आगरा में टैक्सी कार चालक की हत्या में फरार चल रहे 25,000 के इनामी बदमाश से पुलिस की हुई मुठभेड़। गोली लगने से घायल हुआ इनामी बदमाश। 3 बदमाशों को पहले ही पुलिस भेज चुकी है जेल। बांह और पिनाहट थाना पुलिस ने की कार्रवाई। मृतक सत्यप्रकाश दुबे का बेटा पहुंचा अपने घर। सत्यप्रकाश दुबे का बेटा देवेश दुबे पहुंचा घर। घर में कर रहा है नारायण बलि का पाठ। मृतकों की आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ। देवरिया के फतेहपुर गांव में माँ पिता भाई बहनों के हुए हत्याकांड का मामला। लखनऊ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान। जातीय जनगणना पर अखिलेश यादव बोले, हमारे समाज को जोड़ेगी जातीय जनगणना। जातीय जनगणना हो जाएगी तो सभी जातियों को मिलेगा हक और सम्मान। सुल्तानपुर के एक गौवंश आश्रय स्थल पर मृतक गौवंश को रस्सी से बांधकर ट्रैक्टर से खींचने का मामला आया सामने। ग्राम विकास अधिकारी नितेश सिंह को किया सस्पेंड। मृतक गौवंश मामले में एडीओ पंचायत कादीपुर को सौंपी गई जांच। मामले में ग्राम प्रधान को जारी हुआ कारण बताओ नोटिस। संतुष्टि न होने पर ग्राम प्रधान के खिलाफ हो सकती है बड़ी कार्यवाही। अंबेडकर नगर के इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र में घर से महिला को घसीटते हुए पुलिस का वीडियो हुआ वायरल। अभद्रता करते हुए कैमरे में कैद हुई तानाशाह पुलिस। स्थानीय पुलिस ने बेवजह महिला को किया बेइज्जत। पूर्व में इसी दरोगा ने भाजपा जिलाध्यक्ष पर लगाया था थाने से रुपए वसूली का आरोप। बरेली में छात्रा ने जिला शोधों का आतंक। छेड़खानी का विरोध करने पर दो लड़कों ने छात्रा को फेंका ट्रेन के आगे। कोचिंग से घर लौटते समय छात्रा के साथ हुई घटना। छात्रा के एक हाथ और दोनों पैर कटे, कई हड्डियां भी टूटी। अस्पताल में भर्ती, छात्रा की हालत गंभीर। अमरोहा के कस्बा जोया में खाना खिलाने वाले की अर्थी से लिपट कर रोया बंदर। मृतक व्यक्ति की अर्थी से लिपट कर अंतिम संस्कार तक पहुंचा बंदर। मृतक के अंतिम संस्कार में भी शामिल हुआ बंदर। मृतक व्यक्ति के साथ 2 साल से रह रहा था बंदर। रायबरेली के गुरबख्शगंज क्षेत्र के भीतरगांव में लगातार एक्शन मोड पर योगी बाबा का बुलडोजर। अवैध कब्जेदारों का सरकारी जमीन पर जमाया था कब्जा। महिला ने किया था बंजर व सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा। मौके पर पहुंची उप जिलाधिकारी की टीम। बुलडोजर से अवैध निर्माण गिराकर जमीन कराई कब्जा मुक्त। चंदौली में विकास भवन के पास भूमि अधिग्रहण के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल। किसानों ने किया धरना प्रदर्शन। भारतमाला परियोजना के लिए अधिग्रहित हो रही भूमि। जिला मुख्यालय पर पहुंचे दर्जनों गांव के सैकड़ों किसान। सपा के पूर्व सांसद रामकिशोर यादव ने किया नेतृत्व। कई गाँव के रिहायशी बस्ती को जाड़ने का है संकट। सदर SDM दिग्विजय प्रताप सिंह को सौंपा गया। 12 बंकी के ओबरी गांव में शव जलाने को लेकर प्रशासन से रोक पर आक्रोश। ओबरी गांव के लोगों में बढ़ा आक्रोश। 30 वर्ष से नवीन प्रति में शव जला रहे ग्रामीण। SDM ने कहा आगे से नहीं जलाने दिया जाएगा शव। लखनऊ के मुंशीपुलिया XCN ने बनाया ड्रेस कोड। अपने कार्यालय में एंट्री करने पर बनाया ड्रेस कोड। मुंशीपुलिया के XCN जयसिंह ने लागू किया उपभोक्ताओं के लिए ड्रेस कोड। हाफ टी शर्ट हाफ पैंट पहनकर आने पर रोक। समस्या को लेकर पहुंचे उपभोक्ता को भगाया। उपभोक्ता ने पूरी मामले का बनाया वीडियो। झांसी के पुंछ थाना क्षेत्र के बाबा रोड पर पलटी मजदूरों से भरी पिकअप। लोडर गाड़ी में 50 लोग थे सवार। आधा दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से हुए घायल। चालक की लापरवाही के कारण हुआ हादसा। पिकअप में फंसे लोगों का स्थानीय लोगों ने किया रेस्क्यू। आधा दर्जन घायलों में 3 की हालत गंभीर। घायलों को उपचार के लिए भेजा गया स्वास्थ्य केंद्र।
लखीमपुर खीरी तिकोनिया पुलिस व स्वाट टीम की बड़ी कार्रवाई, नाबालिग छात्रा का गन्ने के खेत में शव मिलने का मामला। थाना तिकोनिया पुलिस व स्वाट टीम की हत्या के आरोपी सद्दाम से हुई मुठभेड़, मुठभेड़ में आरोपी सद्दाम ने पुलिस पर चलाई गोली, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में लगी गोली। औरैया के फफून थाना क्षेत्र के गांव हसनपुर में अज्ञात कारणों से झोपड़ी में लगी आग, नकदी जेवर सहित गृहस्थी का सारा सामान जलकर खाक, मजदूरी करके परिवार पालता था गरीब किसान, आग से तबाह हुए पति पत्नी और दो बच्चों का रो रोकर बुरा हाल। औरैया के सदर कोतवाली क्षेत्र में हो रही रामलीला में निकाली गई शव बारात, लालजी शुक्ला का गुणगान करते दिखे दशानंद रावण, जनता को जताने के लिए आदेशित करते दिखे रावण, गुणगान का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा जमकर वायरल। मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोनभद्र के निर्देशन में अवैध रूप से चल रहे पैथोलॉजी सेंटरों पर की गई कार्रवाई, 3 सदस्यीय टीम अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के नेतृत्व में की गई छापेमारी, पैथोलॉजी सेंटरों की बार बार आ रही थी शिकायत, दी जा रही गलत रिपोर्ट।